देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे।
तो आप ये सीधी तस्वीरें आपने देखा जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही खास कार्यक्रम में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक नई दिल्ली, जहां आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चारों मशालों को, जो कि देश के चारों दिशाओं से होते हुए, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, तमाम दिशाओं से होते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंची ये मशालें, और प्रधानमंत्री ने उन चारों मशालों को वहां पहले से प्रज्वलित हो रहे उस ज्वाला के साथ उन्हें मिलाने का काम किया। आज पूरा देश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत हासिल करने की 50वीं वर्षगांठ पर यह बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपने जिन चारों मशालों को देखा, वो चार मशालें देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक इन्हें घुमाया गया। और जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चारों मशालों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित मशाल के साथ मिलाने का काम किया। और अब आगंतुक पुस्तिका में प्रधानमंत्री अपने उद्गार व्यक्त करते हुए, और वो कहते हैं ना कि लेकर सांस मुट्ठी में झुका गए हिमालय को, हाथ में थाम तिरंगा अमर कर गए जो खुद को, लहू सींच कर करके फिर बना गए समृद्ध भारत, उन वीर देश के जवानों को याद करो युगो युगो। आज भारत और बांग्लादेश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम, जब पूरा देश उन वीर शहीद सेनानियों को आज याद कर रहा है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्योछावर कर दिए थे। राष्ट्रीय समर स्मारक से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आज ही के दिन, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म हुए। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा, टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश जज्बा जुनून।